सुरेश वाडकर एक सिंगर हैं जिन्होंने ये फेमस गाने गाए हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, भंवरे ने खिलाया फूल और इस दिल में क्या रखा है, मैं हूँ प्रेम रोगी ऐ जिंदगी गले लगा ले। तो सुरेश वाडकर जी मोहम्मद रफी साहब के बारे में कहते हैं कि मेरी जिंदगी में गायकी के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा रफी साहब रहे हैं और हम लोगों ने उनको फॉलो भी किया है बहुत। और एक बहुत ही बड़े सिंगर एक औलिया से थे, उनको खाली देख के ही आदमी को इतना आनंद मिलता था और इंसानों से उनकी जो लेवल थी वो थोड़ी ऊपर थी और बड़े गरीब परवर थे, सबकी मदद करते थे, भगवान अल्लाह के भेजे हुए गायकों में से एक हैं वो। तो उनका कोई भी गाना उठाइए आप, उनका कम पड़ती का कोई भी गाना नहीं है, उनका हर गाना सिखाता है कुछ ना कुछ। वो हर गाने में मिश्री घोलते थे, ऐसा लगता था कि शहद कान में उतर रहा है, और सबसे ज्यादा सुर का जो मजा लेके गाते थे और अदाएं जो उसमें होती थी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा भी गाना हो वो ऐसे उसे उतार देते थे रिकॉर्ड में कि म्यूजिक डायरेक्टर को कोई चांस ही नहीं होता था। हम तो उनको फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की गायकी की बात हमारे गले में भी आ जाए और हम लोग यूज करें उसे अपनी सिंगिंग में, ये हमेशा कोशिश रही है। मोहम्मद रफी साहब ने कौन सा रंग नहीं गाया है, उन्होंने क्लासिकल गाए हैं, उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, उन्होंने पॉपुलर गाने गाए हैं। तो ऐसी गायकी, इतनी खूबसूरत गायकी, इतनी खूबसूरत अदा, मोहम्मद रफी साहब जैसी गुलाई वाली वॉइस इंडस्ट्री में उस वक्त दूसरी थी ही नहीं। और हम लोग तो वैसे ही दीवाने हैं, पागल है उनके गाने के। आज भी जो नए बच्चे हैं वो ज्यादातर मोहम्मद रफी साहब के गानों को ही फॉलो करते हैं और साबित करने के लिए कि गाना कैसे गाया जाता है उन्हें मोहम्मद रफी साहब के गाने का सहारा लेना पड़ता है। मोहम्मद रफी साहब की गायकी ऐसी के इसकी गुलाई में समझ लीजिए नीचे से लेके चार सप्तक तक वैसी की वैसी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत सारी वॉइसेस में ऐसा होता है कि हायर पिच में जाकर पतली हो जाती है, मगर मोहम्मद रफी साहब की जैसी खूबसूरत आवाज, उनकी गायकी का सबसे बड़ा गुण यही है कि नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी वॉइस लगती थी। बहुत सारे लोगों की वॉइस ऐसी होती है कि ऊपर जाके आवाज पतली हो जाती है और नीचे में ठीक ठाक लगती है आवाज, मगर मोहम्मद रफी साहब के भी कुछ लोअर नोट्स के भी गाने हैं। वो इस तरह से गाते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इसे नीचे गा सकते हैं, वो इतनी खूबसूरती से गाते थे। ये भगवान अल्लाह के भेजे हुए लोग थे, ये तभी पॉसिबल है। इसे हम रियाजी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोअर पिच में उतने ही गुलाई में और उतने ही वजन में आवाज लगे और ऊपर भी वैसे ही लगे, ये बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी खूबी उनकी गायकी की ये थी। तो सुरेश वाडकर जी ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में ये सब बातें कही हैं।